आज एक और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं धनाधन नॉन स्टॉप ब्लॉग बनाए जा रहा हूँ आजकल। नहीं बना रहा भाई, मजाक कर रहा हूँ, बहुत लेट बन रहे ब्लॉग। और आज अभी हम जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि ऋषिकेश में तो प्राण पखेरू वाली गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। तो भाई हम जा रहे हैं ऋषिकेश, सॉरी कहाँ जा रहे हैं, देहरादून। देहरादून में हम जा रहे हैं किमाड़ी। किमाड़ी में एक वाटरफॉल है, अब मुझे नहीं पता वाटर, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अभी जाके पता चलेगा कैसा है। तो अपने साथ हैं जीतू भाई, हैं साथ में आशीष भाई, पीछे बैठे हुए हैं। तो आज उधर ही कुछ बनाते हैं, मटन चिकन बनाते हैं उधर ही, नदी में नहाते हैं आराम से। क्यों, वैसे मैं जब भी नदी में जा रहा हूँ आजकल 3-4 दिन से रोज चोटें लग रही है, कभी इस हाथ पे चोट, कभी पैर पे चोट। आज देखो भगवान का आशीर्वाद से आज कुछ। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या, जहाँ हम वाटरफॉल पे जा रहे थे किमाड़ी में, वो पुलिस वालों ने तोड़ के रास्ता बंद कर दिया। तो अब वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अभी वहीं से वापस आ रहे हैं। तो अब हम नई जगह जा रहे हैं। हर्षित भाई हमारे रास्ता बताते हुए सबसे आगे चले। भाई हर्षित भाई, हर्षित भाई कह रहे जाऊं कैसे, इधर जगह नहीं मिल रही। तो अभी मैं आपको नाम बताता हूँ इस जगह का, कौन सी जगह है। अबे आशीष फर्क जाएगा, है बीजापुर डैम, ये है किमाड़ी पुल पे। इधर गाड़ी साइड में लगा के अपना बीजापुर डैम के लिए अंदर। अबे मेरे पास चाबी पड़ी थी इसकी। ओ अरमान भाई ने बाल कटवा ली। अरमान भाई क्लीन हो गए ऊपर से पूरे। हाँ भाई, ऐसे ऐसे रास्तों से होके आना पड़ता है इधर। 1 किलोमीटर का ट्रैक है, मतलब ट्रैक एकदम प्लेन है, चढ़ने के लिए पत्थर छोटे छोटे। थक गया आशीष भाई। इधर आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अमेजोन रिवर है। इधर एनोकोंडा छोड़े हुए बड़े बड़े। ये हमारी जगह है, इधर हम नहाएंगे। और अभी पहले हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और अन्नपूर्णा माता ये बैठी है जो टमाटर काटती है। हर्षित भाई लिटिल लिटिल बना रहे हैं छोटे छोटे। भाई हाँ बढ़िया, बर्फ के दो दो टुकड़े बना दो छोटे छोटे। इसमें बनेगा मटन जो बनाऊंगा मैं, ठीक है आशीष भाई साबू। गाइस मतलब जगह बहुत अच्छी लग रही है, ये देखो पानी इधर इधर इतना है, मतलब इतना गहरा है कि मैं यहाँ तक डूब रहा हूँ बस, लेकिन ठीक है मज़ा आ रहा है। तो भाई हमारा साबू नहाने चला गया, अब उसके साथ नहाते थोड़ा। ये यहीं बैठे दोनों खाना बना रहा है, ये जीतू। हर्षित आएगा 10 मिनट बाद, ठीक है भाई चलो भाई। नमक देख लो भाई, हमारा मटन बना दिया एकदम कच्चा, घटिया वाहियात। ये टमाटर ऊपर तैर रहे, देखो सड़े हुए, क्या चबाया जा रहा है भाई? बिल्कुल भी नहीं चबाया जा रहा। और अपना माल दे, अपना माल दे साला, पनीर पनीर खाने के लिए प्याज ऐसे भून दिए, पनीर लोग कच्चा भी खा लेते हैं, और ये साला ऐसे बना के खा रहा है कि पूछो मत। आजा तो गाइस मटन बनके बहुत रेडी हो चुका है, बहुत बढ़िया बनाया जीतू ने, एक नंबर। और पनीर तो पनीर खत्म कर दिया सारा, नहीं शक्ल दिखाओ बस यार, ऐसे नहीं यार हद हो गई। हाँ ये पनीर है बच रहा। हमारा तो चल रहा खाना, क्यों भाई साबू। साबू क्या खा रहा, चावल
साबू चावल उधेड़ रहा है। जीतू भाई खाके फ्री हो गए, देख छुप छुप के पानी पी रहा है साड़ा हमारा। कहीं तो गाइस बर्तन मैं अपने धो चुका हूँ, एक उधर पड़ा है, जीतू भाई अपने बर्तन धो चुका, हर्षित के बचरे बर्तन। अब हर्षित खाना खाएगा, फ्री होगा, कुकर धोएगा जल्दी से, और उसके बाद हम फ्री फ्री है। और यहाँ सारे लोग चले गए हैं, मतलब लोग इतने नहीं थे, 5-6 लोग तो थे यार इधर इस तरफ, जगह थोड़ी, हाँ क्योंकि जगह थोड़ी दूर है। तो गाइस अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, थकावट हो गई है बहुत, नदी में नहाओ तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है यार। इसे कहते हैं देखो सारा काम अपना सारा करना पड़ता है, कभी भी आप नदी आओ, क्यों अर्षित भाई, जो जिसकी ड्यूटी है वो करना पड़ता है, मज़ा तभी आता, नहीं तो ऐसे नहीं। देखो मेरा भाई कितनी मेहनत से पत्थरों से रगड़ रगड़, ये गढ़वाली स्टाइल है भाई ऐसे बर्तन धोने का। कहीं तुम सोच रहे हो विम बार और वो काम है क्या भाई? अरे अर्षित भाई लाया मैं इस जगह पे, इतनी सुंदर जगह पे, इसका ही नाम तो मैं इसे गाड़ी में दूंगा। ये जंगल जलाने के चक्कर है, जंगल जलाने के चक्कर है। तो गाइस हमने पूरे साफ कर दिया और अब टाइम हो गया है कि हम रोड तक पहुंचे। मैं देखना चाहता हूँ जीतू जिस जगह से आया था वो आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कहाँ पहुंच रहा है कहानी, कि मैं इसकी वीडियो बुला रहा हूँ, मेरी बुला रहा है। चले आशीष भाई, कमांडो साहब चले साबू। तो गाइस हमारा जो आज का ट्रिप था ठीक था, इतना भी अच्छा नहीं था, इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन मज़ेदार था। क्यों भाई, हर्षित भाई मजे करे, पक्की बात है ना, स्वाद आया, फुल स्वाद, ठीक हाँ, 1 किलो पनीर खा गया साड़ा, फुल स्वाद तो नहीं था। जा भाई जा, ऐसे पार करना है इधर से, देखो जगह नहीं है, गिरते हुए भी आना, वेरी गुड। हाँ गाड़ी हमारी उधर लगी हुई, इसलिए हमें ऐसे जाना है, पहले सामान ऊपर रख दियो। चलो भाई हर्षित बाबू टप गए, हाँ साचो सामान ऊपर रख दो, हाँ साचो का डर रहता है, मुझे साबू साबू कहीं फिसल गया। वेरी गुड।